welcome, welcome, welcome. कि आज हर शख्स एक मदारी है, आज हर शख्स एक मदारी है। सैयद साहब, आज हर शख्स एक मदारी है, तेरे सर पे भी जिम्मेदारी है। आज हर शख्स एक मदारी है, तेरे सर पे भी जिम्मेदारी है, और अपने किरदार को संभाल के रख, तेरी बहन बेटी भी एक कुंवारी है। जो अभी हिंदुस्तान में हुआ है सरकार, जो अभी हिंदुस्तान में अभी घटना हुई है जी, कठुआ में जो हुआ है, तो मैंने उस पर कुछ लिखा है हुजूर, अगर आप याद हो तो सुना दूं। सुनना चाहेंगे? ओ आशिका, ओ आशिका, ओ आशिका, ओ आशिका, ओ आशिका, सलीम बाजी इधर आ जाओ। आए है सर पे हाथ रखे इनके। आए है, क्या कहूं मैं आपके बारे में, आप लोगों के बारे में। ओ आशिका, ओ आशिका, सलाम आया है, आया है। वैसे तो यारो तुम लक्ष्मी कहते हो, वैसे तो यारो तुम कहते हो, ये कैसी पूजा है उसकी इज्जत लेते हो, सरकार उन लोगों पर रहम कर, उन पे रहम कर। पहले लोग इंडिया में आते थे कल्चर सीखने, पहले इंडिया में आते थे कल्चर सीखने, अब आना बंद कर दिया उन्होंने कि यहां का कल्चर अब ऐसा है। हाय हाय, कहां पहुंच गया हिंदुस्तान। शेर नजर कर रहा हूं, श्रद्धांजलि दे रहा हूं उन सभी बहन बेटियों को जिनके साथ जो भी हुआ है। लाडी सरकार, गरीब नवाज, गुरु नानक, माता रानी, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान रहम फरमाए, सारी कौमों में लगते हैं। हाँ जी, और जो अपनी बहन बेटी से प्यार करता है वही इबादत का मकसद समझ सकता है। जो करता है ताली बजा के देगा अपनी बहन बेटे के लिए, और वादा करके जाए कि जो ऐसा करेंगे हम उनको नुकसान नहीं देंगे, हम उनको नुकसान नहीं देंगे, लेकिन उन्हें नसीहत देंगे कि याद रखना
अल्लाह करे तुझे ऊपर वाला इतना बुरा बना दे कि तेरे घर में बेटी ही पैदा हो तो पता चलेगा बेटी का मर्तबा क्या है। आए ये मर्तबा है बेटी का, मेरी बहन बेटी बैठी है यहां पर, शेर नजर कर रहा हूं। आए है माता पिता ने हल्का बोल पे अभी मत करो, माता पिता ने जो तेरा छोरा बनाया था, माता पिता ने जो तेरा छोरा बनाया था उनको खबर ना थी कि उसका कफन सिलाएंगे, कफन शेर बड़ा पसंद है जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। खान साहब अच्छा लोग कहते हैं भाईजान दो मिनट बैठ जाओ बाबा, ए बाबा बैठो, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में बम पटाखे ना रखिए, इनके सिवा अब तो पड़ोसी भी आंख बुझाने नहीं आते, सच्चाई है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है ये दिल का जहान बेटी से। लोग कहते हैं बेटा नस्ल बढ़ाता है, शायद उनको पता नहीं है बेटा तो सिर्फ तेरी नस्ल बढ़ाता है, बेटी तो इतनी भगवान है जिसके घर जाती है उसकी नस्ल बढ़ाती है। आए हाय के जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है ये दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आए हाय आने का मतलब यह है न जाने कितनों के गुनाह धुल गए। बहुत सारी बहन बेटियां रो रही हैं। मेरे उस्ताद मेरे गुरु मेरे पीर ने फरमाया कि बेटा हंसाना बहुत आसान है, रोलाना बड़ा मुश्किल काम है, और रोता वही है जिसके अंदर जज्बात होते हैं, रोता वही है जिसके जज्बात होते हैं, और हंसता वही है जिसके बुरे हालात होते हैं। हाय हाय हाय, हंसता वही है जिसके बुरे हालात होते हैं। क्यों हो क्यों पागल, पागल पागल।
साईं लाड़ी से लड़ी है, हाथ ऊपर करें नजर, ऐसे लड़ा, या तो यार का हो जाए या यार को अपना बना ले, या तो यार का हो जा या यार को अपना बना ले, अगर यार को अपना नहीं बना सकता तो यार का हो जा, यार खुद ब खुद तेरा हो जाएगा। कि नजर 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 से लड़ी है, नजर 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 हुजूर ना जर ना जर नजर नजर से लड़ी है, जरा ठहर जाओ कमान छूट पड़ी है, जरा ठहर जाओ और किसी से मिलने का वादा हो तो बाद में चले जाना, अभी तो पूरी इबादत की रात पड़ी है, जरा ठहर जाओ। आए मेरे साईं को जिसने भी पाया, मेरे साईं को जिसने भी गाया, अरे उसका बड़ा नाम हो गया है, सूफी हमसर ही तनहा नहीं है, सूफी हमसर ही तनहा नहीं है, जमाना भी गुलाम हो गया साईं का, जमाना भी गुलाम हो गया, मेरे साईं सा कोई नहीं है, मेरे साईं सा कोई नहीं है, वो सबका हबीब है, मांगने को हाथ भी नहीं है, ये बल तेरी तो है, रे मदनी दम रे गसनी सरे सदा पमागर सनी सरे सदनी सरे के सरे गम पद मप गम पस दिन सरी दिन धन पद मप गम पस दिन सरी दिन गम पद दिन सरी दिन धन पद मप गम तब हम गम तब हम गम तब हम गम रे गसा सा ये बल करीब है, ये बंदा गरीब है, हुजूर जनाब जनाब आप लोग इतना अच्छा सराते हैं कि मैं क्या कहूं, यहां पर गाने के लिए लोग कहते हैं हम तरसते हैं, ऐसा नहीं है, यहां गाना बड़ी बात नहीं है, आना ही बड़ी बात है, फिर भी कहता है कि हम तरसते हैं, तुझे पता है कि वो बरसते हैं फिर भी कहता है कि हम तरसते हैं, तो ये क्रम की बात है। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं सरकार में, तो मैं चाहूंगा, हमने एक कलाम गाया था बहुत पहले और वो भी हिट हुआ मान साहब सरकार के क्रम से, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, और वो मियां साहब मैंने यही गाया था सबसे पहले, मान साहब मौजूद हैं यहाँ पर, और वो मैंने जब रिकॉर्ड किया ख्वाजा साहब के तवसुल से तो आपकी दुआ से हिट हो गया, तो यहीं से मिला है, क्योंकि फकीर की बात मैंने कही ना, फकीर दे के मुकर जाता है, भिखारी ले के मुकर जाता है, तो ये बातें हैं फकीरों की। और उसके बाद अभी एक नया आइटम भी लाया हूँ सुनाने के लिए, जी बिल्कुल नया, तो इजाजत है आप सभी की, कौन कौन सुनना चाहता है तेरी रहमतों का दरिया, या फिर वो सुनोगे नगोदर का बच्चा बच्चा, कौन कौन सुनना चाहता है, लेकिन ये सुनाऊंगा मैं एंड में, क्योंकि मैं शायद पहली बार ऐसा कर रहा हूं कि अपना एल्बम मैं चाहता हूं वो रिकॉर्ड कर दिया है वो यहां पर रिलीज हो, अगर आप चाहें तो, मैं लेकर आया हूं बड़े कम वक्त में उसको करा है मैंने, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी उस पर अपनी ब्लेसिंग अपनी दुआएं दें।